कौशिकर, आज हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चेकिंग का लास्ट पार्ट हमारा है ऑडिट इन डेप्थ या फिर कहें हम इन डेप्थ एग्जामिनेशन, दोनों इसी के नाम है, ऑडिट इन डेप्थ भी और एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन। नाम से क्लियर हो रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं ये? ऑडिट का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन करना बुक्स का, अकाउंट्स का, स्टेटमेंट्स का एंड एंट्रीज का। इन डेप्थ का मतलब गहराई में जाके, अंदर जाके ऑडिट करना, या इन डेप्थ एग्जामिनेशन भी वही है, ऑडिट हटा के इन्होंने एग्जामिनेशन लगा दे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑडिट इन डेप्थ एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन दोनों सेम बात है। देखो ऑडिट इन डेप्थ एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन जब नाम से ही क्लियर हो रहा है तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सारे हमने चेकिंग एक एक करके किया है तो ये भी बहुत ईजी है। वैसे ये सिंपल सी बात है कि इन डेप्थ एग्जामिनेशन के अंदर जिस भी ट्रांजेक्शन को ऑडिटर उठाएगा बिल्कुल अंदर गहराई तक जाएगा। अगर वो किसी भी ट्रांजेक्शन को उठाएगा तो उसको उस ट्रांजेक्शन के बारे में जब तक पूरी नॉलेज नहीं हो जाएगी कि अगर हम बात करें कि मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी किसने परचेज की, कैसे परचेज की गई, इसका इनवॉइस बिल कहाँ है, वाउचर कहाँ है, हर एक चीज जब तक उसे पता नहीं चल जाएगी, जब तक ऑडिटर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और ऐसे ही चेकिंग, इस चेकिंग को हम क्या बोलते हैं, इन डेप्थ एग्जामिनेशन, जैसे सीआईडी वाले करते हैं ना वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इन डेप्थ एग्जामिनेशन। कहते हैं ऑडिट इन डेप्थ क्या होता है, द डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड इज नोन एज ऑडिट इन डेप्थ। कहा ना इन्होंने बिल्कुल सेम बात की, जो डिटेल्ड में एग्जामिनेशन किया जाता है किसी एक ट्रांजेक्शन का, हर एक एस्पेक्ट्स के ऊपर, हर एक पहलू के ऊपर, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, जब हम एक ही ट्रांजेक्शन के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको ऑडिट इन डेप्थ कहा जाता है। इन दिस ऑल द एंट्रीज ऑफ द अकाउंट्स आर नॉट एग्जामाइंड, और इस केस में भी सारे के सारे एंट्रीज को एग्जामाइन नहीं किया जाता, ऑडिट इन डेप्थ के केस में भी रादर अ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शंस आर एग्जामाइंड एंड वेरीफाइड इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। कहते हैं कि कुछ एक फ्यू ट्रांजेक्शन को उठाया जाता है, लेकिन जिस ट्रांजेक्शन को उठा लिया ना उसको हर एक एस्पेक्ट्स में अच्छे से स्टडी किया जाएगा। देखो अब आप कहोगे कि जो वो था हमारा टेस्ट चेकिंग, उसमें भी तो यही था। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। टेस्ट चेकिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा सेम था भाई, कि टेस्ट चेकिंग के अंदर भी हम ऐसा ही कर रहे थे। कैसा कर रहे थे? टेस्ट चेकिंग के अंदर भी हम कुछ एक ट्रांजेक्शन को उठा रहे थे, लेकिन जो ट्रांजेक्शन हमने उठाए थे ना वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर थी, यानी हमने इसलिए वो ट्रांजेक्शंस कम उठाई थी ताकि और जो ट्रांजेक्शंस बची हुई थी उनके अंदर उस उन ट्रांजेक्शंस की झलक आ रही थी, यानी सेम सेम लग रही थी वो ट्रांजेक्शंस, इसलिए हमने वो रैंडमली उठा के और उनको हमने चेक किया था। लेकिन जब हम ऑडिट एंड डेप्थ की बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम बिल्कुल उसी एक ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जिन चार ट्रांजेक्शन को आपने उठाया ना ऑडिटर ने, उन चारों ट्रांजेक्शंस का आपको एक एक चीज पता होगी कि क्या चीज कहां से आई, परचेज किया तो आपको ऑर्डर था भी परचेज करने का या फिर ऐसे ही परचेज करके बैठ गए, तो एक एक चीज के जहां पे आपको नॉलेज होगी उसी को आप ऑडिट एंड डेप्थ कहेंगे। कहते हैं फॉर एग्जांपल इफ एन एक्सपेंसिव मशीन हैज बीन परचेज्ड फॉर द बिजनेस, अगर बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसिव मशीन जो है परचेज की गई है, देन अंडर ऑडिट एंड डेप्थ दिस ट्रांजेक्शंस विल हैव टू बी एग्जामाइंड and the following related documents and accounts will also have to be checked. कहता तो आपको इस जो मशीन आपने परचेज की है इसके बारे में हर चीज एग्जामाइन करनी है एंड इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ अकाउंट्स भी आपको चेक करने हैं। तो कौन कौन से अकाउंट्स है ये हम भी स्टडी करें। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा whether the purchase of the machine has been authorized or not. For this, the minutes of the board meeting should be checked. कहता है कि आपने जो मशीन परचेज की, क्या आपको अथॉरिटी थी कि आप वो मशीन परचेज कर सकते हैं, थी या नहीं थी, ये बात हम कैसे चेक करेंगे? हम मिनट्स ऑफ द बोर्ड्स में जाके चेक करेंगे कि जो मिनट्स वहां पे प्रिपेयर की गई है ना बोर्ड ऑफ द मीटिंग में, उसमें हम चेक करेंगे कि क्या आपको अथॉरिटी थी भी या फिर आप ऐसे ही परचेज करके बैठ गए। ऑडिट इन डेप्थ की बात करें हम आपकी एक एक चीज पे फोकस करने वाले, तो सबसे पहले तो हमने आपकी इसी बात पे फोकस किया कि आपको इस परचेज करने की मशीनरी की अथॉरिटी भी थी या नहीं थी। सेकेंड बात कहते हैं द कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर issued for the purchase of the machine should be examined. जो कॉपी आपने परचेज ऑर्डर इशू किया है उसकी कॉपी हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे भाई? अब परचेज ऑर्डर देने वाली अथॉरिटी, क्या आपने परचेज ऑर्डर दिया भी था, इशू कर रखा है परचेज ऑर्डर या वैसे ही मशीन आ गई, तो हम उसको एग्जामाइन करेंगे डिटेल में। कौन कर रहा है ये सारी चीजें? ऑडिटर कर रहा है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा द इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर शुड बी चेक। अब जो सेलर जिसने बेची मशीन उससे हमें क्या मिला? इनवॉइस बिल मिला, तो अब उसको चेक करेंगे कि वो बिल एग्जैक्ट अमाउंट से है या नहीं है। जितने
शो किया है कि वो सेम अमाउंट है या फिर नहीं। फोर्थ अमाउंट कहते हैं द मशीन परचेज शुड बी चेक एंड इंस्पेक्टेड, तो जो मशीन आप खरीद के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके रख दी है क्या वो सेम मशीन है जो इनवॉइस बिल में लिख रखी थी, या फिर आप चेंज करके रास्ते में बीच के बीच में आपने घपला कर दिया और ओरिजिनल के बजाय डुप्लीकेट मशीन लाके वहां पे लगा दी, तो उसको चेक करेंगे हम कि वो ठीक है या नहीं है। देन उसके बाद इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ द मशीन शुड बी एग्जामिन्ड। अब आप कह रहे हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगे उसमें 2000 है और आप दिखा रहे हो 5000 लग गए, तो हम चेक करेंगे भाई ऐसे नहीं आपको छोड़ेंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी चेक होंगे कि कितने लगे हैं एक्चुअल। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा द पेमेंट मेड टू द सेलर शुड बी वाउच। अब जो सेलर को पेमेंट की गई है उसको वाउच किया जाएगा कि कितनी आपने सेलर को पेमेंट किया है, ठीक है उसको भी चेक किया जाएगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट आता है द एंट्रीज मेड इन द प्लांट रजिस्टर एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी एग्जामिन्ड। और अब आपने लास्ट में जो एंट्री कर दी ना प्लांट रजिस्टर में उसको हम चेक करेंगे, अकाउंट में आपने क्या एंट्रीज की है उसको हम चेक करेंगे, आपने अमाउंट सही डाली है या फिर आपने डेबिट क्रेडिट सही तो किया है, आपको नॉलेज तो है ढंग से। हाँ जी नॉलेज होगी ऑफकोर्स, अकाउंटेंट है वो भी ऐसे नहीं है, लेकिन अमाउंट में तो वो भी घपला कर सकते हैं ना, तो इसलिए ऑडिटर इस बात को भी चेक करेगा यानी कि एंट्रीज के ऊपर भी वो फोकस करेगा और अच्छे से उसे चेक करेगा। तो आज हमने स्टडी किया ऑडिट इन डेप्थ एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन, और आज हमारे सारे मेथड्स ऑफ चेकिंग कंप्लीट हुए। होप यू लाइक इट एंड ओके थैंक यू बाय बाय।